आपको जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। कढ़ी हमारे राजस्थान के अंदर बहुत अधिक प्रसिद्ध होती है और कढ़ी यहाँ पे बहुत अधिक बनाई जाती है। कढ़ी के लिए सबसे पहले मैंने 3 कटोरी दही ले लिया है। अब मैं इसको घोटनी की सहायता से घोटूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा दही घुटकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी पानी डालूंगी। ये मैंने इसके अंदर 1 कटोरी पानी डाल दिया है। पानी डालकर अब मैं इसके अंदर 2 छोटे चम्मच बेसन डालूंगी, 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच। अब मैं बेसन डालकर अब इसे अच्छे से घोट लूंगी। तो इसके ऊपर गरम कढ़ी रख दिया है। अब मैं उसके अंदर 1 छोटा चम्मच घी डालूंगी। ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर घी डाल दिया। मैं इसके अंदर 1 छोटा टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑयल और घी डाल दिया। अब मैं इसको गर्म होने का इंतजार करूंगी। जैसे ही मेरा घी और तेल गर्म होता है मैं इसके अंदर राई का बघार दूंगी। ये मैंने इसके अंदर 2 छोटे टेबल स्पून राई का बघार दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बघार आ चुका है। अब मैं इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल दूंगी। कड़ी पत्ते डालने से इसकी खुशबू बहुत अधिक अच्छी हो जाती है। और अब मैं इसके अंदर हल्दी हींग पाउडर डालूंगी। ये मैंने इसके अंदर हींग पाउडर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर लाल हरी मिर्च डालूंगी जो कि मैंने सुखा कर रखी हुई थी। इससे टेस्ट बहुत अधिक अच्छा आता है। और अब मैं इसके अंदर अदरक डालूंगी जो कि मैंने कद्दूकस करके रख रखी थी। इन सबको अच्छा फ्राई होने दूंगी मैं। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च डालूंगी वो भी मैंने काट रखी थी। 1 छोटा टेबल स्पून लाल मिर्च डालूंगी और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। अब मैं उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कि मैंने दही और बेसन को जो पीस कर रखा था वो मिश्रण अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिलाती रहूंगी और हिलाती रहूंगी। तो हमें जब तक चलाते रहना है जब तक कि हमारे उकाले न आ जाए। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे जिससे कि वो अच्छी तरह से हमारा बेसन और दही पक जाए। ये मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे हरे धनिया से गार्निश कर दीजिए अच्छे से। गर्मा गर्म कढ़ी को आप रोटी के साथ या फिर खिचड़ी के साथ किसी के साथ भी सर्व कीजिए। खाने के अंदर बहुत अधिक अच्छी लगती है। ये मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे बनाइए और सबको खिलाइए और मुझे बताइए आपकी कढ़ी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।